हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चंस हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो हमारे करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए फ्रेंड्स, हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 5 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। हर वर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का जो उद्देश्य है वो दास प्रथा के समकालीन रूपों को खत्म करना है। दास प्रथा के समकालीन रूपों को खत्म करना है और दास प्रथा में व्यक्तियों की तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम के सबसे बुरे रूप, जबरन विवाह और सशस्त्र संघर्ष में उपयोग के लिए बच्चों की जबरन भर्ती शामिल है। दास प्रथा में व्यक्तियों की तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम के सबसे बुरे रूप, जबरन विवाह और सशस्त्र संघर्ष में उपयोग के लिए बच्चों की जबरन भर्ती शामिल है। और इसे पहली बार 1986 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? इसे पहली बार 1986 में मनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहाँ भालुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आगरा। आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा में भालुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और यह सम्मेलन एक संरक्षण लाभ निरपेक्ष संस्था वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये आप नोट कर लीजिए, यह सम्मेलन एक संरक्षण लाभ निरपेक्ष संस्था वाइल्ड लाइफ SOS द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन का जो लक्ष्य है वो भालुओं और अन्य जंगली जानवरों की देखभाल के सिद्धांतों को अभयारण्यों और बचाव केंद्रों के साथ साझा करना है। इस सम्मेलन का जो लक्ष्य है भालुओं और अन्य जंगली जानवरों की देखभाल के सिद्धांतों को अभयारण्यों और बचाव केंद्रों के साथ साझा करना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर आगरा है। तो आगरा कहाँ पर है? यूपी में। तो यूपी से रिलेटेड जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। लखनऊ में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान या महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार जापानी सरकार की सहायता से राज्य में खाद मूल्य श्रृंखला विकसित करेगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल मथुरा में खोला गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये करंट अफेयर्स यूपी से रिलेटेड। नेक्स्ट है, भारत रूस संयुक्त अभ्यास इंदिरा 2018 झांसी में आयोजित किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर आयोजित किया गया? झांसी में। IND से इंडिया, RA से रशिया, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नायक। तो इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 85 मिलियन डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 85 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए गए। तो फ्रेंड्स, ये ऋण समझौते पर हस्ताक्षर इसलिए किए गए क्योंकि उड़ीसा में कौशल विकास पर्यावरण प्रणाली में सुधार के लिए और भुवनेश्वर में एक उन्नत कौशल प्रशिक्षण केंद्र विश्व कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए यह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एक बार और मैं बता देता हूँ,
उड़ीसा में कौशल विकास पर्यावरण प्रणाली में सुधार के लिए और भुवनेश्वर में एक उन्नत कौशल प्रशिक्षण केंद्र विश्व कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और यह परियोजना 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कौशल सीखने में मदद करेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितने लोग, यह परियोजना 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कौशल सीखने में मदद करेगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ ADB की बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, तो उसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ADB का जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई है वो ये 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मंडालुयोंग फिलीपींस में। ADB के जो प्रेसिडेंट है वो है टाकेको नकाओ। और ADB का जो मोटो है वो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक, फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो इतने पॉइंट आपको ADB से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, ये दिवस क्यों मनाया जाता है? फ्रेंड्स, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की भूमिका के सम्मान में यह दिन मनाया जाता है, जब भारतीय युगपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। और यह दिवस असैनिक काल में देश की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने और मानवतावादी मिशनों को पूरा करने में नौसेना की भूमिका को उजागर करने के लिए भी मनाया जाता है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की भूमिका के सम्मान में यह दिन मनाया जाता है, जब भारतीय युगपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। और यह दिवस असैनिक काल में देश की समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने और मानवतावादी मिशनों को पूरा करने में नौसेना की भूमिका को उजागर करने के लिए भी मनाया जाता है। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। अब फ्रेंड्स, जब भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो उसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की जो स्थापना हुई है वो ये 5 सितंबर 1612 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इंडियन नेवी के जो चेयरपर्सन चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है वो है सुनील लांबा। तो इतने पॉइंट आपको भारतीय नौसेना इंडियन नेवी से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीपल्स एम्पावरमेंट एनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीपल्स एम्पावरमेंट एनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पीठा, तो ये आप नोट कर लीजिए, पीठा, पीपल्स एम्पावरमेंट एनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स, कार्यक्रम शुरू किया। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो विभिन्न सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। पीठा उड़ीसा सरकार की प्रमुख अमा गांव अमा विकास की उपयोजना है। किसकी उपयोजना है? अमा गांव अमा विकास। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। एक बार और मैं बता देता हूँ, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो विभिन्न सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। और पीठा उड़ीसा सरकार की प्रमुख अमा गांव अमा विकास की उपयोजना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर उड़ीसा है। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा में सौर जल निधि योजना शुरू की गई, तो ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और जन संदेश प्रणाली शुरू की, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 की घोषणा की है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से विधानसभा और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे पूरे चांसेस है। अब फ्रेंड्स, हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो CM है वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको उड़ीसा से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है,
हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने, किसने? सत्यपाल मलिक ने, सत्यपाल मलिक ने आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY, आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है, और इस योजना से राज्य में 31 लाख से अधिक निवासियों को फायदा होगा। और आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति हकदार परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, कितने रुपए? प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए, ये आप नोट कर लीजिए। एक बार और मैं बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है, और इस योजना से राज्य में 31 लाख से अधिक निवासियों को फायदा होगा। और आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति हकदार परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की जो सीएम थी वो थी महबूबा मुफ्ती, और महबूबा मुफ्ती ने 20 जून 2018 को रिजाइन कर दिया है। कब? 20 जून 2018 को, और अभी वहां पर गवर्नर्स रूल लगा हुआ है, और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। तो इतने पॉइंट आपको जम्मू कश्मीर से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने किसको नया वित्त सचिव नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय नारायण झा। अजय नारायण झा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने अजय नारायण झा को नया वित्त सचिव नियुक्त किया है, और अजय नारायण झा ने हसमुख अधिया का स्थान लिया, जो 30 नवंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए। तो ये भी आपको याद रखना है, किसका स्थान लिया है? उन्होंने हसमुख अधिया का स्थान लिया, जो 30 नवंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और अजय नारायण झा मणिपुर त्रिपुरा केडर के 1982 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत सरकार ने अजय नारायण झा को नया वित्त सचिव नियुक्त किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने जयपुर में शॉटगन स्पर्धा में 62वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता महिला स्कीट खिताब जीता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेश्वरी चौहान। महेश्वरी चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की महेश्वरी चौहान ने जयपुर में शॉटगन स्पर्धा में 62वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता महिला स्कीट खिताब जीता, और उन्होंने फाइनल मैच में गनीमत सेखों को हराया। तो इन्होंने किसको हराया? इन्होंने फाइनल मैच में गनीमत सेखों को हराया है। और पंजाब की सिमरत प्रीत कौर जोहल ने कांस्य पदक जीता, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, तो ये आपको याद रखना है। और सिमरत प्रीत कौर जोहल ने महिला टीम, जूनियर महिला और जूनियर महिला टीम का स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, राजस्थान की महेश्वरी चौहान ने जयपुर में शॉटगन स्पर्धा में 62वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता महिला स्कीट खिताब जीता, और उन्होंने फाइनल मैच में गनीमत सेखों को हराया। और पंजाब की सिमरन प्रीत कौर गोहल ने कांस्य पदक जीता, और सिमरन प्रीत कौर जोहल ने महिला टीम, जूनियर महिला और जूनियर महिला टीम का स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने कहाँ अपना वायु अभ्यास SHIN YUU मैत्री 18 शुरू किया? शिनयू मैत्री 18 शुरू किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने वायुसेना स्टेशन आगरा में अपना वायु अभ्यास
शिनियो मैत्री 18 शुरू किया है, और इस अभ्यास का जो विषय है वो परिवहन विमान पर संयुक्त गतिशीलता, मानवीय सहायता और आपदा राहत है। इस अभ्यास का जो विषय है परिवहन विमान पर संयुक्त गतिशीलता, मानवीय सहायता और आपदा राहत है, ठीक है फ्रेंड्स। और इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ने हवाई कर्मियों और पर्यवेक्षकों के साथ AN-32 और C-17 विमान के साथ अभ्यास में भाग लिया, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, AN-32 और C-17। भारतीय वायुसेना ने हवाई कर्मियों और पर्यवेक्षकों के साथ AN-32 और C-17 विमान के साथ अभ्यास में भाग लिया। अब फ्रेंड्स इसका आंसर आगरा है, तो आगरा कहाँ है? यूपी में। तो यूपी से रिलेटेड जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। लखनऊ में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान या महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार जापानी सरकार की सहायता से राज्य में खाद मूल्य श्रृंखला विकसित करेगी, तो ये भी आपको याद रखना है। हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल मथुरा में खोला गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत रूस संयुक्त अभ्यास इंदिरा 2018 झांसी में आयोजित किया गया। IND का मतलब है इंडिया और RA का मतलब है रशिया। चलिए फ्रेंड्स अब हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नायक। तो इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्व सीमा शुल्क संगठन के 3 दिवसीय पॉलिसी कमीशन का 80वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व सीमा शुल्क संगठन के 3 दिवसीय पॉलिसी कमीशन का 80वां सत्र मुंबई में शुरू हुआ, और इस बैठक में व्यापार सुविधा और अवैध वित्तीय प्रवाह को नियंत्रित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और यह बैठक विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा आयोजित की जा रही है, और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर मुंबई है, तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र रिलेटेड जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। मुंबई में 4th नीति आयोग विकास अनुसंधान केंद्र वार्ता आयोजित की गई। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने महाराष्ट्र के दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देश का पहला उल्लू महोत्सव भारतीय उल्लू महोत्सव पुणे में आयोजित किया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह मैंने हाल ही में डिस्कस किया है तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है। अब फ्रेंड्स हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, महाराष्ट्र के जो CM है वो है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है C विद्यासागर राव, तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्रजकाया नामक सामरिक अभ्यास आयोजित किया गया, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A अमेरिका। अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बल ने व्रजकाया नामक अपने 3 दिवसीय सामरिक अभ्यास को पूरा किया है, और व्रजकाया संयुक्त सैन्य ड्रिल व्रज प्रहार 2018 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? व्रज प्रहार, आप ये नोट कर लीजिए, 2018 व्रज प्रहार 2018 का हिस्सा है। व्रजकाया एक कमजोर लोकतांत्रिक ढांचे के कारण गृह युद्ध में जा रहे एक काल्पनिक देश के विवरण पर आधारित था, और व्रज प्रहार 2018 भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बल ने व्रजकाया नामक अपने 3 दिवसीय सामरिक अभ्यास को पूरा किया, और व्रजकाया संयुक्त सैन्य ड्रिल व्रज प्रहार 2018 का हिस्सा है, और व्रजकाया एक कमजोर लोकतांत्रिक ढांचे के कारण गृह युद्ध में जा रहे
एक काल्पनिक देश के विवरण पर आधारित था और ब्रज प्रहार 2018 भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जा रहा है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर अमेरिका है, तो अमेरिका के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन DC, अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखने। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कहाँ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।